दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक फाइनेंशियल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे, निफ्टी मार्च महीना में 12,000 से लेकर 7,500 तक नीचे आ गया था। 80-85% ऑलरेडी निफ्टी रिकवर कर चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात करोगे, अभी तक फाइनेंशियल सेक्टर पे हमको 30-40% रेंज के आसपास रिकवरी देखने के लिए मिला है। दोस्तों, अभी धीरे धीरे फाइनेंशियल सेक्टर पे रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए अगर आप सही फाइनेंशियल स्टॉक को सिलेक्ट करके अगर आप उस पर निवेश करते हो, देखिए बेसिकली आप शॉर्ट टर्म पे निवेश करो या लॉन्ग टर्म पे निवेश करो, आपको काफी बड़ा मुनाफा मिलने के चांस रहता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने इसी फाइनेंशियल स्टॉक को सिलेक्ट किया है। दोस्तों, ये स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। तो दोस्तों, हम बजाज फाइनेंस स्टॉक के ऊपर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसी बजाज फाइनेंस स्टॉक पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमको कितना बड़ा रिस्क रहेगा और हमको कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलने के चांस रहेगा। मतलब अगर हमारी लॉस होता है तो कितना बड़ा लॉस लेके हम निकल जाएंगे, और अगर हम मुनाफा के लिए, प्रॉफिट के लिए अगर हम वेट करेंगे तो कितना टाइम तक वो स्टॉक पे होल्ड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक पे निवेश करके काम करने के लिए हम बेसिकली शॉर्ट टर्म नजरिया कैसे रखेंगे और मीडियम टर्म पे हमारी नजरिया कैसे रहेगा, वो दोनों को देख के हम टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफी सारे टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक अगर हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस स्टॉक का डेली का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। तो दोस्तों, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है या कोई अलग दूसरे टाइप का चार्ट पैटर्न है? कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको हमेशा एक बॉडी दिखेगा और दोनों साइड पे दो टेल आपको दिखेगा। तो इस टाइप का पैटर्न जब ये फॉर्म होता है उसको हम जनरली कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और देखिए, इस टाइप का पैटर्न पे आपको इसे गैप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न और हाइकेनिसी पैटर्न, जो कि एक सिमिलर टाइप का अलग चार्ट पैटर्न होता है, उसके अंदर हमको गैप देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको गैप देखने के लिए मिलता है और ऐसे बॉडी के साथ दो दो टेल आपको दिखता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो उस टाइप का चार्ट पैटर्न को हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने डेली टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है। यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर चार्ट, 1 डे चार्ट, 1 वीक चार्ट, मंथली चार्ट। तो मैंने बेसिकली डेली चार्ट सिलेक्ट किया है। तो डेली चार्ट का मतलब क्या है? ये जो भी कैंडलस्टिक आपको दिख रहा है, एक एक कैंडलस्टिक एक एक दिन पे बना है। तो देखिए दोस्तों, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर आप उसका ओवरऑल पैटर्न को देखोगे, दोस्तों देखिए, मार्च महीना में स्टॉक काफी ज्यादा नीचे तक आ गया था, लेकिन देखिए इस पे रिकवरी कब स्टार्ट हुआ? जून का बिगनिंग पे इस पे रिकवरी हमको देखने के लिए मिला है, और उसके बाद देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली इसी लेवल से ऊपर की तरफ आया। लेकिन स्टॉक पे हमको ये 3750 रेंज के आसपास थोड़ा बहुत इस पे डाउनफॉल देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, ये जो डाउनफॉल स्टॉक दिखाया, ये कितना परसेंटेज नीचे आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया, मैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल सिलेक्ट किया है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग वेराइटी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का परसेंटेज दिखेगा। तो मैंने जेरोधा का चार्ट यूज कर रहा हूँ, इस पे देखिए 23.6% और 78.6%, ये दोनों टिक नहीं था तो मैंने दोनों को टिक कर दिया है।
तो चलिए अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ किया जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए बेसिकली मार्केट यहां पे क्या हो रहा था, मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। देखिए ये लेवल से 3750 लेवल से ये बजाज फाइनेंस स्टॉक लगभग 3000 लेवल के आसपास ये नीचे की तरफ आया था। तो दोस्तों जब स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है ये नीचे की तरफ हमारी टारगेट रहता है। तो जिस लेवल के आसपास हमारी टारगेट रहेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, उसी लेवल के आसपास हमारी 100% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 100% उसी रेंज के आसपास रहेगा। और जो लेवल से बिगिन हुआ है डाउनफॉल, उसी लेवल पे हमारी 0% रहेगा। तो मैं एक बार ड्रॉ करके आपको शेयर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करोगे, देखिए दोस्तों एग्जैक्ट 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 3000 लेवल के आसपास आ रहा है, इसी लेवल से हमको दोबारा देखिए स्टॉक पे बाइंग देखने के लिए मिला है। तो मैंने अभी ये रिट्रेसमेंट लाइन को हटा दे रहा हूं, तो हमको ये पता चल गया कि ये स्टॉक जब 38.2% रिट्रेसमेंट दिया उसके बाद हमको इस पे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हटा दिया है। तो दोस्तों 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आने के बाद ये जिस टाइप का पैटर्न यहां पे फॉर्म किया, अगर आप ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे दोस्तों, ये बुलिश हरामी का पैटर्न फॉर्म किया है। हमारा अलग अलग टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो पैटर्न आ रहा है ये बेसिकली डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आ रहा है। तो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये पैटर्न को हम बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं, और कोई कोई इसको मदर चाइल्ड पैटर्न भी बोलते हैं। तो देखिए बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म होने के बाद इस पे हमको कंटिन्यू बाइंग देखने के लिए मिला है, और बेसिकली बुलिश हरामी पैटर्न एक बाइंग का सिग्नल देता है। अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखोगे दोस्तों, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया था, और हैमर पैटर्न जनरली बाइंग का सिग्नल देता है। तो देखिए उसके बाद 3000 लेवल से ये स्टॉक अभी 3-4 ट्रेडिंग डे के अंदर 3442 रेंज के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। तो मेजर चांस से इस स्टॉक इसी लेवल से और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। ये स्टॉक क्यों ऊपर की तरफ जाएगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, देखिए प्राइस एक्शन बेसिस पे जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा था, और जब भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता था, देखिए ये लेवल से या ये लेवल से या इसी लेवल के आसपास, जब भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता था, इस पे हमको सेलिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था, और ये स्टॉक दोबारा नीचे की तरफ चला जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी पहली बार ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। इसलिए मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाना है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि स्टॉक का मूवमेंट अगले आने वाले दिनों पे कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए अगर मेरी टेक्निकल एनालिसिस गलत होता है तो आपको सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लगा के इस पे जाना पड़ेगा। इसलिए देखिए दोस्तों, अगर आप ये स्टॉक पे एंट्री करोगे तो किसी लेवल के आसपास आप इस पे एंट्री कर सकते हो। देखिए अगर आपको एंट्री करना है ये दिन का हाई के आसपास 3450 रेंज के आसपास, आप इस पे एंट्री का पोजीशन बना सकते हो, मतलब ये लेवल के आसपास आप आपकी बाइंग का पोजीशन ले सकते हो।
तो दोस्तों ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया कि इसी लेवल के आसपास प्रॉपर बाइंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप और ज्यादा कॉन्फर्मेशन चाहते हो, चलिए दोस्तों एक बार 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करके देख लेते हैं कि 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से किसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। देखिए मैंने यहां पे मूविंग एवरेज को ओपन कर रहा हूं। देखिए दोस्तों मैंने 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन यहां पे ड्रॉ किया है। तो दोस्तों देखिए धीरे धीरे ये स्टॉक 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करने लगा है। और देखिए अगर किसी भी रेंज के आसपास, किसी भी लेवल के आसपास अगर 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टॉक क्रॉस करके 2 से 3 दिन उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद उस पर प्रॉपर बाइंग देखने के लिए मिलता है, हम उस स्टॉक का बुलिशनेस आ गया ऐसे बोलते हैं। तो देखिए 2 से 3 दिन अभी ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है, इसीलिए मेजर चांस है ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ ही जाएगा। दोस्तों और एक फैक्टर मैं यहां पे आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों ये 3000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल जैसा काम दे रहा है और बेसिकली ये लेवल के आसपास स्टॉक काफी बार आने के बाद हमको इस पे बाइंग पैटर्न देखने के लिए मिला है, इसीलिए मेजर चांस है स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो दोस्तों अभी अक्टूबर मंथ शुरू हुआ है, देखिए अगर आपको इस स्टॉक पे एंट्री लेना है तो आप 3450 लेवल के आसपास इस पे एंट्री का पोजीशन ले सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस किसी लेवल के आसपास रखना है। दोस्तों ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो 3225 रेंज के आसपास आप इस पे स्टॉप लॉस रखोगे और आपकी जो टारगेट आएगा, टारगेट बेसिकली 3755 रेंज के आसपास आपकी टारगेट आएगा। तो बेसिकली इस पे 300 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट आएगा। ये मैंने छोटा टारगेट आप लोगों को बता रहा हूं, बेसिकली अक्टूबर मंथ का 2 से 3 हफ्ते का टारगेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए ये जो टारगेट आएगा 3755 रेंज के आसपास इस पे आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 3225 रेंज के आसपास लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए आप कोई भी स्टॉक पे एंट्री कीजिए उस पे आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके काम करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको नुकसान आता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत बड़ा पूंजी लॉस के हिसाब से चला जाए, इसीलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमेशा काम कीजिए। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला टारगेट और ये मैंने 2 से 3 हफ्ते का टारगेट आप लोगों को बताया, उससे पहले भी ये टारगेट आ सकता है। लेकिन देखिए अगर आप 1 से 2 महीना का टारगेट लेके जाओगे, दोस्तों 1 से 2 महीना के अंदर ये स्टॉक 4125 रेंज के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 2 महीना का जो टारगेट आ रहा है 4125 और जो 2 से 3 हफ्ते का टारगेट है 3755, ये दोनों टारगेट को आप नोट डाउन करके जाइए और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेज करके आप इस पे एंट्री ले सकते हो। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।